लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम है, सारा शहर नरसिम्हा और मेरे भाई कालीचरण से डरता है। शर्मा, इस गुंडागर्दी का मैं ही बेताज बादशाह हूं। यह सब क्या है शर्मा जी? जैसे बेगुनाह इंसान का खून दिन दहाड़े सरेआम बाजार में होता है, अखबार वाले इस बात को लेकर हमारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस राज्य का होम मिनिस्टर होने के नाते मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा क्यों नहीं हो रही है? क्या आप कालीचरण के खौफ से आप लोगों के बाजू खोखले हो गए हैं? आखिर कब तक शर्मा जी जैसे इंसान के खून से इस शहर की जमीन लाल होती रहेगी? कब तक? सर, कालीचरण के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिल रहा, और फिर कालीचरण जैसे गुंडों को बड़े बड़े नेताओं की शह है। जी हाँ, हर गैर जिम्मेदार ऑफिसर के पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि फला गुंडे को फला नेता की शय है, शर्म की बात है। आई एम सॉरी सर, आप हमें थोड़ा वक्त और दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम कालीचरण को सबूत के साथ गिरफ्तार करके ही रहेंगे। मैं समझता हूं ऑफिसर्स, ये आप लोगों के बस की बात नहीं है, इसलिए मैं शहर की दहशत को मिटाने के लिए कानून के एक ऐसे मुहाफिज को तैनात करूंगा जो कानून की आन के लिए अपनी जान भी दे सकता है, जो वर्दी की शान के लिए दोनों जहान से लड़ सकता है। सर, कौन है वो? कमिश्नर करण सिंह। तुम लोग ध्यान से सुनो, मेरे 10 की देते एक जीप और एक AK-47 नहीं थी तो मैं इस बच्ची को नीचे फेंक दूंगा, समझे? सर, उस आदमी ने सिटीजन बैंक को लूट लिया है और एक बच्ची का सहारा लेकर एक जीप और AK-47 की मांग कर रहा है, और उसका कहना है कि अगर उसकी मांगे जल्दी पूरी नहीं की गई तो बच्ची को नीचे फेंक देगा। मेरी बच्ची को बचाइए साहब, साहब मेरी बच्ची को बचाइए। क्या सोच रहे हो? जल्दी करो, उसे जल्दी पूरा करो। नहीं, मत मेरे को। नो, अगर तुमने मेरी मांगे पूरी नहीं की तो मैं इस बच्ची को जान से मार दूंगा। नो, जल्दी करो। Thank you.
अरे गुड्डी बहन क्या कर रही है लखनका का? नहीं साहब, वो तो दोस्तों के साथ पिकनिक पे गई है। भैया ये प्लान जो है आर्किटेक्ट मिस्टर थापर ने बनाया है। इस पूरी जमीन के टुकड़े पर 10 करोड़ की लागत से सिनेमा घर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। तो फिर देर किस बात की है, भूमि पूजन का प्रबंध करो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है भैया, ये साला बड़ा अड़ियल है, कहता जब तक वो जिंदा है अपने पुरखों की जमीन किसी कीमत पे भी नहीं देगा। तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दो, भूमि पूजन कल ही होगा, जाओ जाकर तैयारी करो। हरिः ॐ मघनानन्त्वा धनवती स्वाहा, प्रियानन्त्वा प्रियपदं स्वाहा, निधीनन्त्वा निधिपदिकं स्वाहा, गायत्री तुष्टुप जगतनिष्टुपं च स्वाहा, बृहद्विपदा च चतुष्पदा सुपदा च चकटपदा स्वाहा, इन्द्रायै स्वाहा। रुको रुको, ये सब क्या हो रहा है? मेरी जमीन पर भूमि पूजन करने वाले आप लोग हो कौन? ठहरो ठहरो ठहरो। स्वाहा, ये जमीन मेरी है, सुना तुम लोगों ने? इस जमीन का असली मालिक वो है मेरा भाई। ये मेरी जायदाद है, मैं इसका मालिक हूँ, वो इसका मालिक कैसे हो सकता है? तुम मालिक थे, अब ये जमीन तुम 5 लाख रुपए में हमें बेचोगे, साइन करो। क्या, ये 5 करोड़ की जमीन मैं 5 लाख में बेच दूं? क्या मैं पागल हूँ? तुम्हारे बाप दादा ने ये जमीन चनों के भाव में खरीदी थी, मैं तो फिर भी तुम्हें 5 लाख दे रहा हूँ, चुपचाप साइन करो। ये सरासर अन्याय है, धोखा है, मैं हरगिज़ साइन नहीं करूंगा। अगर साइन करोगे तो जमीन हमारी होगी और जान तुम्हारी सलामत रहेगी, अगर साइन नहीं करोगे तो जमीन और जान दोनों से हाथ धो बैठोगे। मैंने कह दिया ना, साइन नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। धीरे, पूजा डिस्टर्ब होती है। काहे के डिस्टर्ब? साइन करो। नहीं करूंगा। साइन करो। नहीं करूंगा। चलो, सर यही लोग हैं सर जिन्होंने मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया सर। ए, ए, क्या रही? निकालो ये बोर्ड, निकालो। ए, हमारे कालीचरण भाई ने जमीन को खरीद लिया साहब। कालीचरण ने क्या किया है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेने से जमीन उसकी नहीं हो जाती। अभी तुम सबको अंदर करता हूँ और देखता हूँ कौन छुड़ाने आता है। ए, बकवास बंद कर। गिरफ्तार कर लो सबको। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा जी। रजिस्ट्रार के ऑफिसर आइए। क्या बकते हो? कौन है ये पुलिस ऑफिसर? कौन है ये नया पुलिस ऑफिसर जिसने हमारे आदमियों को गिरफ्तार किया है? जिस जमीन पर हमने पूजा करके अपना बोर्ड लगाया, उस जमीन से उसने हमारा बोर्ड उखाड़ फेंका। हम उसका बख्त का नाम इस दुनिया से उखाड़ फेंकेंगे। आप खामखा अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए भैया बाबू, मैं अभी खुद पुलिस स्टेशन जाता हूँ, वो नए पुलिस ऑफिसर की पूरी कुंडली भी लाता हूँ और अपने आदमियों को भी छुड़ा कर लाता हूँ।
जीवा हमारे एरिया का दादा। चले चल वो आप उनके छोकरे लोग को बन गया ना, वो झिंगे लोग को छोड़ दे चल। कमिश्नर साहब का ऑर्डर है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। तू नहीं छोड़ सकता? अबे ओ कानून के टिबले इधर, तू नहीं छोड़ेगा? रस्ते मोहल कोई भी जाने ना पाए। हाँ मैं आ रहा हूँ। करण सिंह भाग तक कहाँ है पुस्तिल? ए अफसर मेरे भाई पर हाथ डालने की तेरी जरूरत कैसे हुई? यहाँ खाकी वर्दी का नहीं गुंडागर्दी का राज चलता है। वो राज भी मिटा दूंगा, गुंडागर्दी का ताज भी मिटा दूंगा। अफसर हमारे इलाके में पुलिस का बारूद भी ठंडी आग बन जाता है। कानून के दुश्मनों को मैं चिता की राख बना देता हूँ। मेरे इस कदम को गुंडागर्दी के खिलाफ ऐलान जंग समझना कालीचरण, किस माई के लाल में हिम्मत है जो पुलिस की वर्दी पर हाथ डाल सके? क्योंकि ये वर्दी महज सूत का धागा नहीं, हिंदुस्तान की इज्जत है। भाषण अच्छा है। पुलिस, गुंडागर्दी और पॉलिटिक्स एक माला में पिरोए हुए मोतियों के समान है, जिस तरह से मियां बीवी और बच्चे में संबंध होता है, और इन तीनों में से किसी एक को कष्ट हो जाए तो एक दूसरे के हमदर्द बन जाते हैं। चंद नेताओं को जेब में रखकर तुम समझते हो कानून को अपने बटुए में बंद कर लोगे। तुम्हारी इस गुंडागर्दी को जनता के सामने मदारी का तमाशा बनाकर रख दूंगा। खबरदार छोड़ दो नहीं। अपने आदमी से कहो हथियार फेंक दे। पुलिस को थप्पड़ मारने का जवाब क्या होता है अभी बताता हूं। हवालदार मिश्रा। यस सर। पुलिस की पावर क्या होती है बता दो। मैं? हाँ तुम। आज देखता हूं कालीचरण का कानून चलता है या इस देश का। मरस साले को। ले चलो जीवा। ए हरामजादो बंदूक लाओ जल्दी करो। चल। जाते जाते एक मशवरा देना चाहता हूँ कालीचरण जी, इसे अपने दिलो दिमाग में उतार लो तो अच्छा है। ये फर्जी जमीनों की मलकियत का जाल बिछाना छोड़ दो, वरना ये जमीनें जिस पर अपना राज कायम करना चाहते हो एक दिन तुम्हारे लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। समझ गए?